और अब बात हमारी विशेष श्रृंखला से जुड़ी हुई। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। ऐसे विशेष लोगों के बारे में क्योंकि हम और आप कम जानते हैं, इसलिए उनके जीवन संघर्षों को आप तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं अहमदाबाद के चुनारा समुदाय के भानुभाई चितारा के बारे में, जो लगभग 500 वर्ष पुरानी गुजराती हस्तकला मातानी पचेड़ी को संजोने में कई दशकों से प्रयासरत है। मानुभाई चितारा की 8वीं पीढ़ी जो इस हस्तकला का अस्तित्व अब आगे बढ़ा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक कलाकृति कितना कुछ बयां कर रही है ना, यह है कलमकारी। और कई सौ साल पहले से ही ये कलाएं हमारे देश में रही हैं और आगे बढ़ाई जा रही हैं। कई तो परिवार ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं कलाओं को सहेज कर आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे गुजरात के अहमदाबाद के भानुभाई चितारा, जो मातानी पछेड़ी को आगे बढ़ाने वाले अपने परिवार की 8वीं पीढ़ी हैं। उनके बेटे 9वीं पीढ़ी भी अब इसे आगे बढ़ा रहे हैं, है ना कमाल की बात। एक नायाब उदाहरण कला को समर्पण के प्रति। खूबसूरत प्राचीन हस्तकला कलमकारी, जिससे जुड़े हैं अहमदाबाद के चुनारा समुदाय के भानुभाई चितारा। 67 वर्षीय भानुभाई लगभग 500 वर्ष पुरानी गुजराती हस्तकला मातानी पचेड़ी को संजोने में कई दशकों से प्रयासरत हैं। चितारा परिवार मातानी पचेड़ी कला पर काम करने वाले कुछ एक परिवारों में से एक है। भानुभाई चितारा के परिवार में कई पीढ़ियों से ये कला की जा रही है। भानुभाई चितारा की 8वीं पीढ़ी है जो इस हस्तकला का अस्तित्व आगे बढ़ा रही है। अब उनके पुत्र भी इस कला में निपुणता हासिल कर चुके हैं। ये कला तो बहुत पुरानी है, वैसे भी आगे हम बढ़ाना चाहते हैं, और ये वैसे भी हम तो बढ़ा रहे, लड़के भी अभी हाल में काम कर रहे हैं जो नेचुरल कलर है। अभी तो केमिकल का जमाना चल रहा है, ये कला में बहुत केमिकल ही हो रहा है सब। ये भारतीय हस्तकला गुजरात के इतिहास से जुड़ी है। मातानी पचेड़ी का शाब्दिक अर्थ है माँ देवी के पीछे। कपड़े पर पेंटिंग की ये शैली देवी देवताओं के अलग अलग रूपों और उनकी कहानियां दर्शाती है। ये पीस है मातानी पछेड़ी, ये लगभग 80 साल से पुराना है और ये बनाने में लगभग 8 से 10 दिन लगते थे पहले। जो ब्लॉक से भी बनता है, आधा कलम से भी बनता है, ये लगभग 80 साल पुराना है और ये कलर अभी भी हाल में मौजूद है और फास्ट कलर है। केमल बना हुआ है ऊंट, वो हाथ से बना हुआ है कलम से, और ये ब्लॉक है लगभग 400 साल पुराना है और ये 80 साल से पुराना है और ये अभी भी हाल कलर भी मौजूद है। इस कला को करने वाली गुजरात की वाघरी खानाबदोश जनजातियां होती थी, जो ग्रामीण समुदायों द्वारा माता के विभिन्न अवतारों की पूजा करने के लिए इसे तैयार करती थी। इस कला में हाथों से पहले महीन चित्रकारी की जाती है, फिर इसमें प्राकृतिक रंग भरे जाते हैं। पापा की उम्र जो अभी 67 इयर्स ओल्ड है, लेकिन अभी भी उनको इस कला के लिए, आप बताओ कि अभी पापा ये माता की पछड़ी बनानी है तो तुरंत ही हमको प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है, वो हमको पूरा मार्गदर्शन देते हैं। बहुत खुशी की बात है, सरकार भारत सरकार ने अभी आर्ट को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन देने का फैसला कर रही है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे गुजरात में 2023 के लिए एक पिथोरा पेंटिंग और मातानी पछेड़ी दो आर्टिजन को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। इसी तरह आर्ट को और आर्टिजन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए ताकि हमारी भारत की धरोहर और संस्कृति और ज्यादा निखार के जिंदा रहे। एक मान्यता के अनुसार इस कला की शुरुआत गुजरात के एक ऐसे समुदाय ने की जिन्हें जातिवाद के कारण मंदिर में जाने से रोका जाता था। उस दौरान वे स्वयं वस्त्र पर ही इस कला के द्वारा देवताओं के चित्र बनाकर पूजा करते थे। मातानी पचेड़ी के माध्यम से देवी माँ मंदिरों के साथ साथ शहर की गलियों
और झुग्गियों तक विराजमान हो गई। हालांकि अब ये भेदभाव समाप्त हो चुका है, लेकिन मातानी पचेड़ी की पूजा की परंपरा आज भी जारी है। गुजराती हस्तकला मातानी पचेड़ी को संजोने के लिए भानुभाई चितारा को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई।